हेलो राधे राधे, आज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से कुर्ती की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो चलिए कटिंग कर लेते आज हैं। मैं चिनोन के कपड़े में से दो चीज़ बनाने सिखाऊंगी। पहले कुर्ती की कटिंग करूंगी और ढाई मीटर कपड़ा है, और फिर मैं क्या बनाऊंगी वो आगे वीडियो में शेयर करूंगी आपको। पहले कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में कर लिया है। लेंथ अपने अकॉर्डिंग ले, मैं 50 लेंथ ले रही हूँ इसकी, और चौड़ाई भी आप अपने अकॉर्डिंग ले। और इसकी चौड़ाई ली है मैंने 13 इंच, और अब मैं तीरे का निशान लगाऊंगी। तीरे का निशान लगाऊंगी मैं 6 इंच पे, और ये 6 इंच पे मैंने तीरे का निशान लगा दिया है। और मुड्ढे का निशान लगाऊंगी मैं, मुड्ढे का निशान लगाऊंगी 6.5 इंच पे। ऊपर से 6.5 लगाओगे तो मुड्ढे का निशान 7 लगाना पड़ेगा। मैंने ऊपर से 6 लगाया है तो मुड्ढे का निशान 6.5 लगाया है। और चेस्ट के अकॉर्डिंग 4th पार्ट लेना है चेस्ट का। 36 इंच की चेस्ट है तो 9 इंच पे निशान लगाना है, और 2 इंच का मार्जिन रखूंगी मैं। मैंने 9 इंच पे निशान लगा लिया है मेरा। और अब मैं मुड्ढे से लेकर इस तक आप कितना रखते हैं अपने अकॉर्डिंग रखें। मैं 14 पर निशान लगा रही हूँ, और यहाँ कमर का निशान लगाऊंगी 7 इंच पे, और कमर का निशान लगाऊंगी 6.5 इंच पे। गोलाई में कमर का 4th पार्ट पे निशान लगाना है यहाँ पे भी, और इस पे लगाऊंगी मैं 10 इंच पे। आप अपने अकॉर्डिंग 4th पार्ट निकाल कर निशान लगा सकते हैं। जैसे 40 हिप्स है तो 10 पे निशान लगेगा और 2 इंच का मार्जिन, और अगर कमर 32 है तो 8 पे निशान लगेगा, और 33 है तो 8.5 पर निशान लगेगा। 4th पार्ट निकाल कर ही निशान लगाना है, और 2-2 इंच का मार्जिन रखूंगी मैं इसमें। और अब मैं लगा लूँगी गले का निशान। गले का निशान लगाऊंगी मैं 2.5 इंच पे। अगर आप ऊपर से चौड़ा गला पहनती कंधे के ऊपर से तो ज़्यादा लगा सकती हूँ। मैं 2.5 इंच पे निशान लगाती हूँ, और गले की लंबाई लूँगी मैं 5.5 इंच। 6 इंच का गला बनकर तैयार हो जाएगा। आप गला बड़ा भी काट सकती है अपने अकॉर्डिंग। और अब इसको मैं गोलाई दे दूंगी गले को निशान लगाकर। पीछे का गला बनाऊंगी मैं 5 इंच का, तो 5.5 का तैयार हो जाएगा। और अब मैंने आगे पीछे गले को दोनों को गोलाई दे दी है, और अब इसकी मैं कटिंग कर लूंगी और सब निशान। और ये कुर्ती पे मैं सब निशान लगा चुकी हूँ, अब मैं कटिंग कर लूंगी। अब पहले मैं मुड्ढे की साइड से कटिंग करूंगी। और ये 2 इंच का मार्जिन रखा हुआ है, मार्जिन वाली जगह पे से कटिंग करनी है, फिटिंग वाले निशान की जगह पे कटिंग नहीं करनी है। लीजिए ये मैं कटिंग कर चुकी हूँ। और अब मैं कंधे के ऊपर से कटिंग करूंगी 1/2 इंच, कंधे की साइड से झुकाकर गले की साइड से तिरछे निशान के ऊपर से कटिंग कर दूंगी मैं। और अब मैं दोनों गलों को एक साथ काट लूंगी। ये 5 इंच का गला पीछे की साइड वाला काट रही हूँ मैं। अब दोनों पार्ट को मैं अलग अलग कर लूंगी, और दोनों पार्ट को अलग अलग करके मैं आगे वाले गले की भी कटिंग कर चुकी हूँ। अब बस अब थोड़ी सी गोलाई दे रही हूँ गले को अच्छे से। लीजिए मैं ये गला आगे पीछे का अच्छे से कट कर चुकी हूँ। थोड़ी सी शेप दे रही हूँ बस आगे वाले गले को। और अब मैं करूँगी बाजू की कटिंग। ये कपड़े को मैंने 2 फोल्ड कर लिया है, अब इसका मैं 4 फोल्ड कर लूँगी। और ये 9 इंच चौड़ा कपड़ा ले लिया 4 फोल्ड में, और 16 इंच लंबा है। अब इस पार्ट के ऊपर मैं निशान लगा लूँगी ताकि चारों पार्ट बराबर रहें। और ये बाजू का ले रही हूँ मैं सेंटर, इस पे भी मैंने निशान लगा दिया क्योंकि आगे से बाजू थोड़ी सी खुली
खुली बनाऊंगी और बीच में से टाइट, इसलिए सेंटर लेकर निशान लगा दिया है। और ऊपर से नीचे तक बाजू की लंबाई यहाँ बीच में लगाऊंगी 5 इंच पे निशान, और यहाँ से लगाऊंगी मैं 3 इंच पे निशान, थोड़ा सा ज़्यादा इधर इसलिए छोड़ा है ताकि बराबर से कटिंग हो जाए कपड़े की। और अब मैं बाजू को दे दूंगी गोलाई अच्छे से। और ऐसे करके मैं कटिंग कर दूंगी। लीजिए बाजू के मैंने कटिंग कर ली और एक्स्ट्रा कपड़े को कर दिया अलग। अब यहाँ से भी कटिंग कर दूंगी जो ज्वाइंट था कपड़े में, और ये रख दिया बाजू को अलग। और ये कपड़ा मेरा बहुत सारा बच गया है, इसका मैं क्या बनाऊंगी वो भी दिखाऊंगी आपको वीडियो में। और जो एक्स्ट्रा है इस कपड़े के साथ ज्वाइंट में, उसको मैं कर दूंगी अलग। ये सूट में काम आएगा गले वगैरह में लगाने के लिए, इसलिए एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने पहले ही कट कर लिया है। और इसको मैं फोल्ड करके रख दूंगी। चलिए अब कुर्ता सिल लेते हैं। और आगे वाले मुंडे की कटिंग की नहीं थी मैंने, अब मैं कर रही हूँ आधा इंच निशान लगाकर आगे वाले पार्ट की मैं कटिंग कर लेती हूँ। और फिर ये कुर्ता सिल कर आपको दिखाऊंगी कितना सुंदर कुर्ता बनकर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल आसानी तरीका है, आप भी सिल सकते हैं अपने लिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आसान तरीका है। लीजिए ये गले के लिए मैं पट्टी तैयार कर रही हूँ। इस कपड़े को मैंने फोल्ड कर लिया और यहाँ से सिलाई लगाकर जोड़ लगा दूँगी कपड़े में, और फिर गले पे पट्टी लगाऊंगी मैं। और आगे वाले गले में मैं लगाऊंगी पट्टी और पीछे वाले में लगाऊंगी पाइपिंग, वो आपकी मर्जी है, दोनों साइड पट्टी लगाना चाहते हैं या पाइपिंग। और पहले बनाऊंगी मैं आगे वाला गला। अब आगे वाले पार्ट को इस चौड़ी पट्टी के ऊपर रखकर और जहाँ पे कटिंग हो रखी है वहाँ पे सिलाई लगाकर गला तैयार करूँगी अब मैं। और लीजिए गले पे पट्टी में लगा चुकी हूँ, और अब मैं तुरपाई करूँगी बाद में, इसके ऊपर मोटी मशीन से सिलाई लगा दूँगी। और पीछे वाले गले पे मैं पाइपिंग लगा चुकी हूँ, और आगे वाले पे पट्टी, और पीछे वाले और आगे वाले को दोनों पार्ट को रखकर और पीछे वाली पट्टी को उसके ऊपर आगे वाले के ऊपर रखकर कंधे के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ, जैसे मैंने पहले एक दो बार आपको दिखाया भी है कैसे सिलती हूँ मैं। कंधे की साइड से किस हिसाब से सिलाई लगाती हूँ जिससे बहुत अच्छी सेटिंग हो जाती है कुर्ते की कंधे के ऊपर से।
लीजिए कुर्ता मेरा रेडी हो गया और बाजू भी मैंने डिजाइनर बनाई है और बहुत ही सुंदर कुर्ता बनकर तैयार हुआ है। और एक बार आप भी बनाएं इस तरीके से अपने लिए डिजाइनर बाजू का कुर्ता। चलिए अब मैं पहन कर दिखा देती हूँ। लीजिए ये कुर्ता मैंने पहन लिया है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। फिटिंग थोड़ी सी मैंने लूजी रखी है क्योंकि मैं कुर्ते थोड़े से लूजी पहनती हूँ, फुल फिटिंग के नहीं पहनती हूँ। तो आप भी बनाइए अपने लिए इस तरीके से कुर्ता। और जो पीस बचा था उसका मैंने क्या बनाया वो भी आपको अगली वीडियो में शेयर करूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी, नए आइडिया, नई कोई गोपाल की ड्रेस के साथ या नए कोई कुर्ती डिजाइन के साथ। राधे राधे।